Assalam-o-Alaikum dear students, welcome back xpacademy.com जहां पर आप step by steps AutoCAD उर्दू जुबान में सीख रहे हैं. Dear students, इस lesson के अंदर मैं आपको AutoCAD के अंदर quick selection का method बताने जा रहा हूं. Quick selection से क्या मराद है? अगर आपके पास AutoCAD के अंदर example के तौर पे 5 fits की दो लाइनें हैं और आपको confirm नहीं हो रहा वो किधर हैं, तो आप वहां पर length type करेंगे, वो ऑटोमेटिकली लाइन आपके सामने आ जाएंगी. इस तरह से आप बाय कलर, अगर आपको तमाम रेड लाइन वाली कलर वाली आपको लाइनें सेलेक्ट करनी है, वो आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, किसी एंगल्स के ऊपर अगर कोई लाइन है या किसी एक्सिस के ऊपर कोई लाइन है, इस तरह से مختلف प्रॉपर्टीज के थ्रू आप उनको सिलेक्शन दे सकते हैं. तो इसके लिए आई स्टार्ट करते हैं अपना लेसन. AutoCAD में अपने पास ओपन कर लेता हूं. डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास मेरा AutoCAD ओपन हो चुका है और यहां पर मैं कुछ लाइनें ड्रा कर लेता हूं. मैं लाइन के ऊपर गया. सबसे पहले मैं ऐसा कर लेता हूं, मैं दो फिट्स की एक लाइन बना लेता हूं और मैं यहां पे बल्कि मैं इसको ज्यादा कर देता हूं. एल एंटर करने से लाइन आ जाती है आपके पास. मैं इसको 20 फिट्स की एक लाइन ड्रा कर देता हूं और मैं अपने पास एक और यहां पर 20 फिट्स की लाइन बल्कि सॉरी मैं यहां पर इसको आई थिंक 100 फिट्स परफेक्ट रहेगा. 100 फिट्स की मैंने एक लाइन ड्रा की है. एक और मैं यहां पर 100 फिट्स की ही लाइन ड्रा कर देता हूं और इन दोनों लाइनों को कलर में कुछ डिफरेंट दे देता हूं. एक को मैं रेड कलर दे देता हूं और एक को मैं येलो कलर दे देता हूं. अब मैं कुछ مزید लाइनें ले लेता हूं, देखिए. और यहां पर मैं एक और लाइन ले लेता हूं जो कि एटरेट 100 फिट्स की है या 200 फिट्स की आप ले लें, लेकिन इसका आप एंगल 45 दे दें यहां पे. तो इसको भी यहां पे भी आप इन तमाम लाइनों को مختلف कलर दे दें. जैसे मैंने इसको कलर दे दिया है और इसको मैं ब्लू वन देना चाहूंगा. तो مختلف कलर्स, مختلف लेंथ, مختلف वैल्यूज हो सकती हैं. अब इनको हम फाइंड आउट कैसे करें? ये तो मेरे पास दो तीन लाइनें हैं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूं. इसके लिए आप कमांड के अंदर आप टाइप करना चाहते हैं वो क्या है, क्यू सेलेक्ट एंटर करें तो आपके पास क्या होगा, आपके पास क्विक सिलेक्शन की ऑप्शन आ जाएगी. अदरवाइज आप टूल के ऊपर जाएं, यहां पे आपके पास दूसरे नंबर पर है क्विक सेलेक्ट, आप इसे क्लिक कर डालें, आपके पास ये क्लिक हो गया. अब इसमें सबसे पहले जो एक आपको ऑप्शन बताई जा रही है वो क्या है, क्विक सेलेक्ट में क्या करेंगे आप, लाइनें अपने लाइन वगैरह सेलेक्ट करना चाह रहे हैं वो क्या होगा, आपके पास उसका कलर होना चाहिए. बाय कलर आप उसको सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, कौन से कलर वाली, रेड कलर वाली. ओके करें तो जितने भी ड्राइंग्स के अंदर रेड कलर वाले ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपके सामने सेलेक्ट हो जाएंगे. वापस मैं इसको रिटर्न करता हूं. मैं कहता हूं नहीं, मुझको इस कलर में ओके कर दें. तो देखिए आपके पास ये दो कलर की लाइन थी, दोनों की दोनों सेलेक्ट हो चुकी है. स्किप कर दें, फिर एंटर कर दें इसे. इस तरह से आप इसको लेंथ वाइज कर सकते हैं. अब लेंथ के लिए आपको क्या करना होगा, आप इधर लाइन के ऊपर क्लिक कर दें. मैंने इसको लाइन के ऊपर क्लिक कर दिया और लेंथ के लिए आप यहां पे जस्ट जाकर एल एंटर लेंथ यहां पे ढूंढें, एंड में चले जाएं यहां से. तो मेरे पास ये रहा लेंथ के ऊपर. जैसे मैंने क्लिक किया तो देखिए नीचे मेरे पास वैल्यू की जगह बनी होगी. मैं कहता हूं जो चीज 100 फिट्स के इक्वल है वो सेलेक्ट कर दो. ओके कर दें. अब देखिए मेरे पास 1 और 2 दोनों ऑब्जेक्ट 100 के इक्वल थे, वो दोनों सेलेक्ट हो चुके हैं, यानी 100 फिट्स. इस तरह से अगेन आप इधर चले जाएं. अब मैं ये कहता हूं जो चीजें 100 फिट्स के इक्वल नहीं है वो तमाम सेलेक्ट कर दो. तो उसके लिए आप क्लिक कर देंगे यहां पे एक्सट्रूड फ्रॉम न्यू सिलेक्शन सेट, यानी कि जो चीज आपने इधर इसको डिफाइन कर दी है. मैं यहां पर आ जाता हूं लेंथ के अंदर. मैं इसे कहता हूं जो चीज 100 फिट्स के अंदर नहीं है उसको आप सेलेक्ट कर दो. देखें एक्सक्लूड फ्रॉम न्यू सिलेक्शन सेट में चले जाएं. मैं यहां से लाइन के ऊपर गया और मैंने इसको यहां पे क्लिक कर दिया और यहां पे लिख देते हैं 100 फिट्स सॉरी 200 फिट्स. को मैंने ओके किया तो देखा आपने हमारे पास ये दो लाइनें जो हैं वो 100 फिट्स की थी, बाकी तमाम लाइनें 100 फिट्स की ऑब्जेक्ट्स जितने भी ऑब्जेक्ट्स 100 फिट्स के अंदर नहीं थे. विद टेक्स तमाम चीजें आपके पास क्या हो जाएंगी, सेलेक्ट हो जाएंगी. तो आप स्किप कर दें इसे. तो ये रहे कुछ ऑप्शन आपके पास, ये नहीं के आप जब भी किसी भी चीज को सिलेक्शन देंगे आप उसकी प्रॉपर्टीज को कैश कर सकते हो. जैसे मैं एक और लेता हूं, मैंने कहा मेरे पास लाइंस हैं और 45 के एंगल पर जितनी भी लाइंस हैं आप उनको सेलेक्ट कर दो. देखें मेरे पास ये 45 के एंगल पर लाइन थी तो ये सेलेक्ट हो चुकी है. तो याद रखिएगा हाउ टू अप्लाई को भी देखना है, इंक्लूड इन सिलेक्शन सेट
या आपने क्या करना है, एक्सक्लूड फ्रॉम न्यू सिलेक्शन सिलेक्ट। इंक्लूड में क्या होगा, सिर्फ वही चीज सिलेक्ट होगी जिसके बारे में आप बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा मेरे पास 45 वाली लाइन सिलेक्ट हो जाए, तो अब मैं ओके करूंगा तो 45 वाली सिलेक्ट होगी। लेकिन जब मैं एक्सक्लूड फ्रॉम न्यू सिलेक्शन सेट कर दूंगा तो क्या होगा, 45 वाली सिलेक्ट नहीं होगी, तो बाकी तमाम आपके पास सिलेक्शन में निकल कर आ जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था मेरे पास मेरी क्विक सिलेक्शन का ऑप्शन। ये भी कबाजुकात आपको AutoCAD के अंदर यूज करना पड़ता है। तो मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद xpacademy.com की तरफ से आपको सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी आपके बताए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप xpacademy की तैयार करदा DVDs, जो जिनके अंदर फुली AutoCAD है A to Z, 2D प्लस 3D, वो अगर आप लेना चाहें, या अगर आप हमसे मैप कलेक्शन लेना चाह रहे हैं जिसके अंदर हमने आपके आपके लिए 200 से ज्यादा मैप कलेक्शन रेडी की हैं, तो आप हमें कॉल या ईमेल कर सकते हैं। ईमेल के लिए हमारा एड्रेस है xpacademy@ymail.com, या आप हमें कॉल कर सकते हैं 0343-901-7779 पर। डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन फिर हाजिर होते हैं। उस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम। अपनी दुआ में याद रखिएगा।